स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो अनुपमा में आ गया है लिप, और लिप के बाद से ही इस शो पर बड़े बड़े खबर निकल रही है। किसी ने शो को छोड़ दिया है और किसी ने शो में बिल्कुल नहीं एंट्री किया है। उसके साथ ही खबर ये निकल गया था, इस शो में हमें पाखी के रोल में नजर आने वाली आपके फेवरेट मुस्कान बामने ने शो को छोड़ दिया है और उनको एक बिल्कुल नई हसीना रिप्लेस करने वाली है। तो क्या है पूरी खबर, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार प्लस के शो अनुपमा को शुरुआत से ही फैंस का बहुत ही ज्यादा अच्छा प्यार मिल रहा है। इस शो में हमें मेन लीड अनुपमा के रोल में नजर आती है रूपाली गांगुली, उसके साथ ही इस शो में हमें मादालसा शर्मा नजर आती है काव्या के रोल में, गौरव खाना इस शो में हमें अनुज के रोल में, सुधांशु पांडे इस शो में हमें बनराज के रोल में नजर आती है। टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार इस शो में हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआत से ही अनुपमा की जो टीआरपी है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ वक्त से इस शो के टीआरपी में हमें बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। उसके बाद इस शो में हमें एक लिप भी देखने को मिला है। लिप के बाद की कहानी को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर, उससे में पहले ये खबर निकल कर आया था इस शो में पाखी के रोल में नजर आने वाली मुस्कान बामने ने शो को छोड़ दिया है, क्योंकि लिप के बाद वो एक माँ के रोल में नहीं नजर आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शो को छोड़ दिया है। और अभी खबर ये निकल कर रही है उनको रिप्लेस करने वाली है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और इमली फेम सांदिनी भगवानी वो इस शो में पाखी के रोल में नजर आने वाली है लिप के बाद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और इमली फेम सांदिनी भगवानी विल एंटर इन पॉपुलर सीरियल अनुपमा एस पाखी आद्विक मेहता। सी रिप्लेस मुस्कान बामने पाखीज कैरेक्टर विल मेस्योर विथ टाइम। पाखी का जो किरदार है वो लिप के बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर अनुपमा की टीआरपी में हमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि लिप को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करे और टीआरपी में बहुत बड़ा उछाल हमें इस हफ्ते से देखने को मिल जाएगा। गुम है किसी के प्यार में टेलीविजन का नंबर वन शो बना हुआ है बहुत ही ज्यादा अच्छा टीआरपी के साथ। तो क्या आने वाले वक्त में फिर से अनुपमा टेलीविजन का नंबर वन शो बनने वाला है, वो तो हमें आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में अनुपमा की टीआरपी कैसा निकल कर आने वाला है? अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।